आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम सभी 15 अगस्त का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उसके पहले बोल दूं, जितने भी मेरे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं ना, सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो आज का। और क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे जो है हम सभी कवर करते हैं, और 10 से 12 मिनट के अंदर हर दिन भर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी को मैं रोज करवा देता हूं तथ्य के साथ। और चैनल के ऊपर नए है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को जो है वो मिलता रहे। और इसका सारा का सारा जो पीडीएफ है ना, आप सभी हमारे टेलीग्राम के चैनल से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है आपका, सक्सेस की 98। आपको टेलीग्राम में सर्च किया मारना है सक्सेस की 98, ठीक है। आपको टेलीग्राम का चैनल जो है वो मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक कंटेंट वहां पर जो है आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाता है। और एक बात, 17 अगस्त से जो है आपका मैथ का क्लास जो है वो स्टार्ट हो रहा है, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। जो भी बिहार एसआई का फॉर्म निकला है ना, दरोगा का, या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, या फिर जितने भी स्टेट एग्जाम है, उनके लिए तो इतना मैथ मैं कम से कम काफी करवा दूंगा कि आप हंसते खेलते मैथ में अच्छे स्कोर जो है वो कर सकते हैं। 17 अगस्त से आपका क्लास जो है वो स्टार्ट होगा, इसको आप मार्क कर लीजिए। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है, एक किताब है, वो किताब किसके द्वारा लिखा गया है उनका नाम बताना है। किताब का नाम क्या है आपका, तो किताब का नाम है आपके सामने रॉ और हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर्ट ऑपरेशन। ये किताब जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो अगर आप ध्यान से थोड़ा देख पा रहे होंगे, किताब का कवर पेज है और कवर पेज के ठीक ऊपर में लिखा गया है यहां पर यतीश यादव, इनके द्वारा यह जो है पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने, शेरली अन गरो, इनका हाल ही में निधन हो गया है, जो 91 साल के थे। अब आपको बताना है यह किस अवार्ड के जो है वो विजेता जो है वो रह चुके हैं निम्नलिखित में से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सभी समझ गए होंगे, क्वेश्चन बोल रहा है शेरली अन गरो, जिनका 91 साल के उम्र में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के विजेता रह चुके हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको अवार्ड बहुत बड़ा मिला है, क्योंकि आप सभी को पता है पुलिट्जर प्राइज जो है वो बहुत बड़ा अवार्ड होता है जर्नलिज्म के क्षेत्र में। तो ये किसको मिला है आपका, ऑप्शन नंबर डी, ये इनको मिला था 1965 में, ये भी याद रखिएगा, जिनका हाल ही में जो है वो निधन हो गया है। और उनका एक बहुत फेमस किताब है, उस किताब का नाम याद रखना, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। किताब का नाम क्या है आपका, द कीपर ऑफ द हाउस, ठीक है। और एक बात, 2020 के विजेता का नाम क्या है आपका पुलिट्जर पुरस्कार का, तो वो आपको याद रखना है। हालांकि अवार्ड बहुत लोगों को मिलता है, ठीक है, ये पुरस्कार हर साल, लेकिन इंडिया में 3 लोगों को मिला है 2020 में। पहला नाम क्या है आपका, डर यासीन, दूसरा मुख्तार खान, और तीसरा आपका चानी आनंद। और ये तीनों नाम काफी इंपॉर्टेंट है इस अवार्ड के अनुसार, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है आप सभी से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय रेल ने किन 2 राज्यों के बीच में पहली किसान रेल जो है वो सेवाएं चालू की है, और ये चालू हो गया है किस राज्य के बीच में, और ये किसान को कैसे सहायता करेगी, भैया थोड़ा ये भी समझा दो। देखो, पहले तो आप याद रखना, यह महाराष्ट्र से बिहार के बीच में चलेगी, पहला बात। दूसरा, कौन से स्टेशन के बीच में पहला चलाया गया है, तो देवलाली जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है स्टेशन, वहां से बिहार का में जो दानापुर स्टेशन पड़ता है ना, उनके बीच में चला है और ये चल चुका है। और एक बात, ये कैसे हेल्प करेगा, देखो किसान जो भी खेती करता है, अनाज हो, फल हो, या फिर सब्जी हो, उसका अब बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट खर्चा भी आता है, ये आप सभी को पता है। अब ये ट्रांसपोर्ट खर्चा के नाम पर बहुत सारे जो बिचौलियां हैं, जो मीडिएटर है, वो फालतू का भाड़ा जो है वो किसान से लेते हैं। अब ये सब झमेला जो है ना, वो किसान को ना झेलना पड़े और कम लागत में जो है वो सरकार तक किसान अपना अनाज जो है वो सही दाम पर पहुंचा सके, इसीलिए किसान रेल जो है वो चालू किया गया है। तो 2-3 चीज याद रखिएगा, किस से कहां किस राज्य के बीच में, तो महाराष्ट्र से बिहार,
पहला जो लॉट स्टार्ट किया गया था किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच में, तो बिहार में जो दानापुर स्टेशन पड़ता है वहां से महाराष्ट्र में जो स्टेशन पड़ता है आपका देवलाली, उनके बीच में दो स्टेशन का नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में स्कूल को डिजिटल शिक्षा उपकरण पेश करने के लिए किस कंपनी के साथ जो है वो हाथ मिलाया है। गूगल के साथ हाथ मिलाया गया है ताकि पूरा डिजिटल बनाया जा सके शिक्षा को, एजुकेशन को, ठीक है। और इसके माध्यम से ना उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनका कहना है महाराष्ट्र में इसके सहायता से जो है ना 2.3 करोड़ स्टूडेंट और टीचर को जो है वो सहायता होगा इस स्कीम के माध्यम से, ठीक है। और एक बात, महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, तो आपका मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्य न्यायाधीश कौन है, दीपंकर दत्ता। लेकिन दो चीज आपको मैं इस क्लास में बताना भूल गया, वो भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितना है तो 48, ठीक, राज्यसभा सीट कितना है तो 19, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहां पर है भैया, महाराष्ट्र में, 80 के बाद सबसे ज्यादा कहां पर है आपका उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश में जो 31 है सबसे ज्यादा है, उसके बाद किस राज्य में है तो आपका मुंबई में जो आपका 19 है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया ने कांस्य पदक 2021 के लिए किसको नॉमिनेटेड किया है, किसको अवार्ड दिया जाएगा ब्रॉन्ज मेडल, आपको बताना है केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी श्री हरि पबा राजा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, क्यों मैं बता रहा हूं, निम्नलिखित में से किसे कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि जिनको नियुक्त किया गया है ना वो नवाड के पूर्व चेयरपर्सन रह चुके हैं, बहुत दिन तक रहे थे, क्या नाम था उनका, हर्ष कुमार भनवाला, नवाड के चेयरपर्सन रह चुके हैं ये, याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में नबार्ड का चेयरपर्सन कौन है तो वो भी याद रखिएगा, गोविंदा रजालू चिंटाला, ये अभी वर्तमान में नबार्ड के चेयरपर्सन है। और जो इसके पूर्व थे फॉर्मर हर्ष कुमार बनवाला, उनको कौन सा पद दिया गया है, तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बना दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या नाम है इनका, क्लियर फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का चेयरपर्सन बनाया गया है, और कब तक के लिए, तो मैंने मेंशन कर दिया है 4 अप्रैल 2022 तक यूपीएससी के जो है ये चेयरपर्सन रहेंगे। और क्लास अच्छा लगता है ना तो एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, यस बैंक, यस बैंक के द्वारा बोला गया है ना कि यस बैंक में जो शेयर है ना वो 5% तक जो शेयर है यस बैंक का एलआईसी के द्वारा जो है वो एक्वायर्ड यानी अधिग्रहण कर लिया गया है। यस बैंक का 5% शेयर एलआईसी के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। यस बैंक ने हालिया बयान के अनुसार एलआईसी ने यस बैंक में 5% यानी ऑप्शन नंबर डी की हिस्सेदारी जो है वो हासिल की है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोज सुबह में 4:30 बजे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वालिफाई होता है, सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है 2020 का प्रेम भाटिया पत्रकारिता पुरस्कार किसे दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेम भाटिया जर्नलिज्म अवार्ड किसे दिया गया है 2020 का, दीपंकर घोष, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। और एक बात याद रखना है, इसको उनको अवार्ड क्यों दिया गया है भैया, ये जो आपका COVID-19 चल रहा है ना कोरोना वायरस, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में जाकर अपने जान पर खेलकर जो मीडिया के कवरेज है ना, जो न्यूज का कवरेज है वो बहुत बेहतरीन तरीके से किए,
आप इनको बोल सकते हो फ्रंट लाइन वॉरियर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी दीपंकर घोष। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश ने बिना पूर्व निर्धारित बैटरी के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की अनुमति दे दी है? तो इंडिया ने दे दिया है परमिशन, जो हमारा ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्रालय है, किसके पास है, नितिन गडकरी जी, उन्होंने ही परमिशन दी है, ठीक है। और ये अच्छा भी है, क्योंकि आप देख लो अगर ये हो जाता है तो जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, उस पर बहुत ज्यादा नियंत्रण होगा, क्योंकि प्रदूषण जो है वो बहुत बुरी तरह से फैल रहा है, खास करके डीजल और पेट्रोलियम जो गाड़ी है उनके वजह से, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर ध्यान से समझिएगा, 17 लाख परिवार को वित्त सहायता प्रदान करने के लिए, यानी जितने भी जरूरी सामान है वो खरीद सकते हैं एक योजना के तहत, उस योजना का नाम क्या दिया गया है, अरुणोदय योजना। अरुणोदय योजना शुरू किया गया है आपका असम राज्य सरकार के द्वारा, जितने भी वहां के गरीब परिवार है ना, उनको हर महीना 830 रुपए दिए जाएंगे, ताकि वो जरूरी सामान जो है वो खरीद सके, और यह फायदा 17 लाख परिवार को मिला जाएगा रिपोर्ट के अनुसार। और आज का आपका पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है, असम के मुख्यमंत्री का नाम, असम के गवर्नर का नाम, असम का कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, यह बताना है, असम का चीफ जस्टिस कौन है, मुख्य न्यायाधीश यानी जस्टिस का नाम बताना है, और साथ ही साथ असम में लोकसभा सीट कितना है ये भी बताना है, असम में राज्यसभा सीट कितना है ये भी बताना है। ये जो मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूं ना, डेली करवाता हूं, और ये आप सभी को बताना है, क्योंकि आप लिख कर ले लो ना, जितना भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन करवा रहा हूं, 4 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राष्ट्र ने, इसराइल ने अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो टू इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है, आपको बताना है किसने किया, इसराइल ने ही किया है, ऑप्शन नंबर आपका डी। इसराइल का कैपिटल जेरूसलम, मुद्रा इजरायली सकील, वहां के राष्ट्रपति कौन है, रूवन रिवलिन, और प्रधानमंत्री तो बहुत चर्चा में रहे, आप सभी को नाम पता हो, क्या है आपका, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, बांग्लादेश ने किस देश के साथ 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ अपने सबसे बड़े लोन पे के सौदे पर जो है वो डील साइन किया है? इसके पहले 3.1 बिलियन डॉलर आज तक बांग्लादेश ने कभी लोन नहीं लिया है किसी देश से, पहली बार इतना बड़ा लोन बांग्लादेश के द्वारा लिया गया है, किसके किसके कहां से, तो जापान से, ऑप्शन नंबर आपका डी। और आज का आपका अंतिम प्रश्न प्रश्न नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, आज आपका क्या है, स्वतंत्रता दिवस, तो आपको मैं बता दूं आज कौन सा है, 74वां हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप सभी को पता है एक क्वेश्चन कि जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटेन है, जो यूनाइटेड किंगडम है जिसको इंग्लैंड बोलते हैं, उसने भारत के ऊपर कितने साल तक राज किया था आपको पता है क्या, बताओ कमेंट्स कर कर। कल हालांकि मैंने एक वीडियो डाला था आप सभी को इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी चैनल के ऊपर रात को 9 बजे जाकर देख लीजिएगा, मैंने बताया था 200 साल तक जो है ब्रिटिश ने हमारे भारत पर जो है वो राज किया था, और फाइनली कब, आपका 15 अगस्त 1947 को हम लोग जो है वो स्वतंत्र तो हो गए थे, ठीक है। तो यह थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, 15 अगस्त का सारा पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। सो मेरे जितने भी भाई बहन है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और जाते जाते एक चीज और बोलूंगा, आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट ना हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और अपने साथ कम से कम अपने मम्मी और पापा का जरूर, ठीक है। चलिए, वंदे मातरम, जय हिंद।